वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस एक्सट्रीमली वेल। जैसा कि मैं अभी अबकार गार्डन आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे में बना हुआ है पंडाल। इसको मैं आपको दूसरे शॉट्स में दिखा दूंगा। तो फ्रेंड देखो, यहाँ सैनिटाइजर गेट भी लगा हुआ, और ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो ये खाली जगह, पिछले साल यहाँ पे तो बहुत कुछ लगा हुआ भी था, बट इस बार नहीं है कोविड-19 के कारण। और ये आप शॉट्स का एंजॉय करो। के बाद मैं चल लेके चलता हूँ कहीं और भी। यहाँ पे सैनिटाइजर गेट भी लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से आके घूम भी सकते हो। आप लोग को यहाँ साउंड की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि अंदर में पूजा हो रहा है इसलिए आवाज़ आ रहा है इतना जोर से, और मैं अपना माइक भी लाने भूल गया हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए आगे लेके चलते हैं अगला पंडाल में। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ हाउसिंग में। मेरे पीछे जो पंडाल है, ये मैं दिन में आया हूँ क्योंकि दिन में खाली रहता, वीडियो बनाने में भी कोई दिक्कत होगा नहीं इसलिए। सो मैं आपको एक शॉट्स दिखाऊंगा बढ़िया सा यहाँ का, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू रहिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे सामने जो ये पंडाल आप लोग देख रहे हैं, ये हाउसिंग के पास का ही है। लास्ट ईयर यहाँ पे बहुत ही सुंदर बढ़िया पंडाल बना था, इस बार नॉर्मल सा बना है, पर ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये दोस्तों मैं आ चुका हूँ रामकृष्ण मिशन आश्रम, ये आप लोग के सामने दिख रहा है। मैं इसको जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ कितना सुंदर लग रहा है देखने में। यहाँ पे आज भीड़ भी बहुत हुआ है। यहाँ पर तो लोग खासकर आते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, फ़ोटो शूट कराने के लिए। आज भी यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा था, आप लोग भी आ सकते हो। तो जैसा कि मैंने आप लोग को सारा दिखा दिया, रामकृष्ण मिशन आश्रम मेरे पीछे ही आप लोग को दिख रहा है। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो अपने तरफ से लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए thank you।